What's up guys, welcome back to another memes video. Dank Indian memes कहलो, fun Indian memes कहलो, मजेदार होते हैं हमेशा. और from the channel कौन सी है? मीमा. और भैया एक नंबर की memes होते हैं इनके चैनल से. तो original video का link description में है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले फटाक से. और वीडियो को लाइक कर दोगे ना तो और लोगों तक memes की वीडियो पहुंच सकती है. और हम व्लॉग्स प्रैंक्स भी डालते हैं तो प्लीज उनको देख लिया करो. करे शुरू, 1 2 3 गो. आया ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना ले और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे. चलता हूं, आया चलो स्टार्ट करते हैं. लगा लो पिटाई. सवारी बहुत भारी, 9 महीने में खुशखबरी आ रही, तुम साइड हो जाओ, मेरा प्रेशर भारी, मुझको टट्टी आ रही. अगली गैंग. ये जहरी था ना, कैरे टाइप का. ओ भाई साहब, ये भी बढ़िया था. फिर क्लास खत्म हुआ एंड देन ही सेड दैट ही वांट्स टू चिल. मैंने बोला कि हाँ, तो मेरे रूम में कॉफी पीते हैं. देख रहे हो ना स्ट्रेटजी, देख रहे हो स्ट्रेटजी, देख रहे हो. तो मैंने उसे अपने रूम पे बुलाया एंड देन मैंने उसे अपने नोट्स दिखाए. ओह माय गॉड, क्या बात है, टैलेंट क्या है. एक नंबर तेरे तेरी. मेरा फर्स्ट टाइम है कभी ऐसा नहीं किया. रुक जा. मुझे फूकल बल मारा तो भर बीड़ी की तरह. ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी. और लड़कियों को रोकने वाला कल मैं स्टार हूँ, मेरा मून तू बेबी. कमाइला बाबू भैया से गाइस बेबी, तेरा तो गेम बचाना बाबू से डैड बेबी. अच्छा चलिए, अब बताइए क्या लेंगे आप, कॉफी, जूस लाऊं या कोल्ड कॉफी? बाथरूम उसके लिए तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो ला नहीं सकते हम. डॉग वहां से देख रहा है. अरे किसे देख, देख तो हम बोले अभी कहाँ कुछ देखे हैं, सब कुछ देखने के लिए ही तो प्रपोज किए हैं. एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं. ये समस्या है. आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या. इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे. चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो. उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं. इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है. इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता. तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए. वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था. अंकल नमस्ते, चलो काम. ये वो है अटंदर नॉर्मल. अंकल नमस्ते, चलो काम की बात करते हैं. आपकी महीने में कितना मैंने पहले उड़ाती है, 2 दिन मेरी लड़की पहले में कमाती है. चलो अंकल बाय, नमस्ते, चलो काम की बात करते हैं. yes. कि मैं तुम्हारी बेटी कितने में उड़ाती है, उतने में पहले मेरी गाड़ी तेल खाती है. का है? अंकल चलो किन्ना भाव आ गया है तुम्हें, उतने में लड़की जुई हमारी. अंकल बाय, नमस्ते, चलो काम की बात करते हैं. यार एक मिनट लोगों को बताने दो. सो गाइस, मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था. मेरे दोस्त ने मुझे बोला तू रनिंग किया कर, तू भागा कर. तो गाइस मैं इसके पूरे 2 लाख रुपए लेके भाग गया. वो अपने बात रख ली है, देखो. एक्सक्यूज मी, इसे साफ कर लो. नहीं तो क्या हो जाएगा. टेक इट, ऐसे पेपर्स वेस्ट कर रहे हो, उससे साफ नहीं होगा अच्छे से. मेरे साथ हुआ इसलिए बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस हो. अच्छा, सेव पेपर, सेव ट्रीज. थैंक यू. नो इशू. द नेक्स्ट डे. सॉरी लेकिन मैं ऐसे नहीं ले सकता. प्लीज समझ के रख लो.
गिफ्ट समझ के तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता। एक्चुअली मैंने ऐसा सुना हुआ है कि ये परफ्यूम और रुमाल ना किसी से गिफ्ट नहीं लिया करते, इससे दोस्ती खराब हो जाती है। हाँ तो क्या दिक्कत है, हम कौन सा दोस्त है जो हमारी दोस्ती खराब होगी। क्या चीजें जो पैदा होती है उड़ जाती है, पैदा होते उड़ जाती है। चिड़िया। क्या बोले? चिड़िया। चिड़िया तुम पैदा होते उड़ गए थे। तो बाद में तो उड़ती है ना, बाद में उड़ती है ना, पैदा होते थे ना उड़ती। डिफरेंट साइजेस के भी होती है चिड़िया। डिफरेंट साइजेस की होती है, एक छोटी होती है जो छोटी पैदा होती है। सारी बात देनी पड़ेगी इस आवाम की। मैं आपका क्या सवाल था? जो पैदा पैदा होते ही उड़ जाती है। पापा की परी। एक कोई मेरा भाई कोई सिंगल, तो सोनाक्षी की तरफ से पैरवी के लिए कौन आ रहा जो कहता है कि हम सिंगल खुश हैं? हेलो हेलो, सिंगल मैं खुश हूँ। अगर सोनाक्षी सिन्हा आपसे शादी करने को तैयार हो जाती हैं, तब भी आप कहेंगे कि आप सिंगल ही खुश हैं? सोचना पड़ेगा इस बारे में। लड़की लोग जो है वो ये भी कहती है कि जो लड़के दहेज मांगते हैं वो भिखमंगे हैं। आप मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में देखे, क्योंकि कैमरे पे सब बोल देता है कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, उसके बाद लड़की से 10 लाख 5 लाख लेता है। तो लड़की लोग भी तो अनएम्प्लॉयड से शादी नहीं करती है। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए आप सच बताइए कि दहेज लेंगे जब शादी करेंगे? देखिए दहेज तो सब लेगा, सब लेता भी है। तो अगर हमको लड़की अगर ऐश्वर्या राय दे दीजिएगा तो हम कहे ला दहेज लेंगे। So good to see you. I've been so long, like yes. 2 months. Yes. Look at you, look fantastic. Thank you. Bro, okay, this may seem slightly weird, but I know like everything about you. Like every time I call her, she's like, oh, Rahul loves Coco, Rahul loves the Backstreet Boys, Rahul loves collecting stamps, Rahul loves you. But main to Ankit hoon. एक बार दिनेश अपने 12 इंच के घोड़े को सहला रहा था। उसके घोड़े को देखकर विधायक ने बोला, क्या रे डोगेश, ये घोड़ा कहाँ से लेकर आया, जरा बता हमका भी। अरे विधायक जी, एक बाबा ने दिया है, जो मांगो वो दे देते हैं। अच्छा मैं अभी जाता हूँ बाबा के पास। हाँ जाओ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाबा सिर्फ एक ही मुराद पूरी करते हैं और बाबा को थोड़ा कम सुनाई देता है। यह सुनकर विधायक बाबा के पास चला गया। बाबा के पास पहुंचकर जोर से बोला, बाबा बाबा मुझे एक बोरी हीरे चाहिए। यह सुनते ही विधायक के सामने एक बोरी खुल गई। उसे देखकर विधायक गुस्से में लाल हो गया और डोगेश के पास लौट आया। डोगेश से बोला, सजी के तेरे बाबा से एक बोरी हीरे मांगे थे, उसने तो हीरे दे दिए। डोगेश रोते हुए बोला, आपको क्या लगता है मैंने 12 इंच का घोड़ा मांगा होगा? ओ भैया बढ़िया वीडियो थी भाई यार, अलग अलग कलाकार देखने को मिले। एक तो मेरे को रिस्पेक्ट, उस दुख हुआ उस लड़के के लिए जिसके उसने पैसे रखे और लड़की ने पैसे भी ले लिए उसके। हाँ, और स्टाइल भी दिखा दी कि मैं पे करूंगी। हाँ, स्टाइल दिखा दिया। हाँ, उसमें भाई साहब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। वहां दुख हुआ मुझे और साथ ही साथ वो लड़का, कि लड़की पूछती तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया है, तो क्या बोले अभी देखा ही क्या है भाई साहब। एक होता ना हैंकी दिया बड़े उससे, है ना, कहती तो क्या हो गया, हम कौन सा दोस्त है। वही वक्त जज्बात पलट गए उस लड़के के। और एक अरे खतरनाक तो वो था, मेरे दोस्त मुझे कहता भाग कर रनिंग करा। हाँ, कर मैं साल 2 लाख रुपए लेके भाग गया। आजकल देश में ना कुछ लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम अ बिग ह्यूज फैन ऑफ अठंदर चकंदर संडे मंडे। जो भाई ने वो करा ना, आज नाश करा है जनवरी फरवरी मार्च, लव डोज के कारण नाश करते ना अंकल। टाटा बाय नमस्ते, हनी सिंह को टैग करना बनता है। पता लगा भाई भी अगला कोई गाना गा रहा हो भाई साहब, ऐसी वायरल हो जाता कोई भी। अगला पता लगा भाई का भी गाना आ रहा हो भैया, तुमने मेरे को ऐसे बोला ना लो। नहीं सच में बहुत फनी था और मेरे हिसाब से वो फन के लिए एक्ट करता है वैसे। हाँ। है ना अंकल नमस्ते, खर्चा करती है सारा बात करके बार बार चलो काम की बात पे आते, चलो काम की बात। एक और अमेजिंग वीडियो थी मीमापुर चैनल से, आई एम श्योर आप लोग को भी देख के काफी मजा आएगा। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप और वीडियोज भी सजेस्ट कर सकते हो। फेवरेट मीम कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।